आपका क्या टारगेट है? 95+, मेरा टारगेट है 100 on 100, है ना? एंड हम भी 100 on 100 ही टारगेट रखते हैं, एंड डेफिनेटली वो अचीवेबल है. ऐसा नहीं है कि आप 100 on 100 नहीं ला सकते, बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, थॉरो है, एंड रिपीटेडली आपने प्रैक्टिस की, तो आप डेफिनेटली उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे. वट आई वुड सजेस्ट कि डेली बेसिस पे हम जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं या जो भी एक्सरसाइज हम कवर कर रहे हैं, उसका एक रिपीटेशन, उसका एक रिविजन आप खुद से डेफिनेटली करो डेली बेसिस पे. तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूएशन में सब्जेक्ट जो है वो कनेक्टेड होगा. यू विल नॉट फील दैट यू आर लॉस्ट समवेयर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रेशियो. आपने रेशियो सुना है पहले कभी? क्या सुना है रेशियो के बारे में, क्या जानते हैं आप लोग? ओके, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, रिलेशन एंड डिफरेंस, और दो वेरिएबल का रिलेशन शो करता है. ओके, और प्रपोर्शन. ओके फाइन, तो हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन अलग क्यों बोला? अगर वो प्रपोर्शन भी शो करता है तो फिर हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन अलग क्यों लिखा? फिर तो सेम ही लिखते हैं. तो रेशियो इज समथिंग विच हेल्प्स यू टू कंपेयर टू पर्टिकुलर क्वांटिटीज, राइट? आपने देखा होगा कि आप कन्वर्ट करते हो, कभी कभी आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं जो सेम टाइप की क्वांटिटीज है उसकी कंपैरिजन जो है वो कहीं ना कहीं रेशियो से रिलेटेड है. मतलब वो पूरा डिपार्टमेंट किसका हो गया? रेशियो का, जहाँ पे आप क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड डिटेल्स निकाल रहे हो, तो वो आपका रेशियो में आ जाएगा. अब क्या मैं दो डिफरेंट क्वांटिटीज या दो डिफरेंट यूनिट का रेशियो निकाल सकती हूँ? नहीं. कैसे? अगर सपोज मुझे कंपेयर करना है, आपकी एज को कंपेयर करना है, आपके वेट से कंपेयर करना है, तो क्या मैं कर पाऊंगी? नहीं, यूनिट डिफरेंट है. यस, तो क्या मैंडेटरी है कि अगर आप रेशियो में कंपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली वो दोनों पर्टिकुलर क्वांटिटी की यूनिट जो है वो क्या होनी चाहिए? सेम, राइट? सो हम लिखते हैं इसमें, चलो लेट्स स्टार्ट. छोटे छोटे नोट्स बीच में लिखते जाएंगे, एंड उसके बेसिस पे जो जो सम्स होंगे हम लोग उसमें करते जाएंगे. सो फॉर रेशियो, फॉर एनी क्वांटिटी ए एंड बी, वी कैन कंपेयर देम अंडर एप्लीकेशन ऑफ रेशियो. Also, the unit should be same. Also, the unit should be same. Means you can take ratio of 4 cm upon 10 cm, 2 kg upon 5 kg. एंड अगर वो ग्राम केजी है तो आप पहले कन्वर्ट करोगे, फिर आप उसको रिड्यूस करोगे. ये आपने अपने पहले जब आपने 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में मैथ्स पढ़ा होगा तब आपने इसको देखा होगा, राइट? बेसिकली आप लोग सारी CBSE बोर्ड से हो, है ना? तो आई थिंक रेशियो प्रपोर्शन आपने मेजरली पढ़ा होगा Grade 8 से, जब पूरा एक चैप्टर ही था रेशियो एंड प्रपोर्शन का, है ना? फाइन.
आई एम राइटिंग योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो आपने पहले सुना होगा, बट जब आप अभी आपकी स्टडी मैट देखोगे तो उसमें ए एंड बी जो ये आपका रेशियो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका रेशियो है यहाँ पे ए अपॉन बी, अगर आपने इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बट एट द सेम टाइम सेम नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ए एंड बी है, जो यहाँ पे जो आपका ए एंड बी है, ए एंड बी, उसको आप क्या बोलोगे? यस, ए न्यूमरेटर एंड बी डिनोमिनेटर। बट इफ यू सी योर स्टडी मैट, उसमें आपका ए जो है वो एंटीसीडेंट है। क्या बोल रहे हैं उसको? एंटीसीडेंट। तो आप जब अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यू विल सी दैट दे विल मेंशन कि एंटीसीडेंट में इसको मल्टीप्लाई करना है या एंटीसीडेंट में इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। ए जो न्यूमरेटर जो ऊपर की तरफ आ रहा है दैट इज एंटीसीडेंट, एंड बी जो डिनोमिनेटर है दैट इज कॉन्सिक्वेंट, दैट इज कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इन केस अगर कहीं पे भी लग रहा है दैट यू वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज बी फ्री टू आस्क। ठीक है, तो अब जहां पे भी हमारा न्यूमरेटर होगा मैं वहां पे न्यूमरेटर नहीं बोलूंगी, आई विल बी सेइंग कॉन्सिक्वेंट एंड आई विल बी सेइंग एंटीसीडेंट, राइट? तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर मैंने बोला एंटीसीडेंट अपॉन ये कॉन्सिक्वेंट लेना है तो क्या न्यूमरेटर में होगा और क्या डिनोमिनेटर में होगा। यहां तक क्लियर है सबको? ग्रेट। Don't mind my handwriting. I hope it is readable. ठीक है, क्लियर है? आपको जब नोट्स एंड बुक्स मिलेगी तब सारी चीज़ें उसमें इंटैक्ट होगी, डायरेक्टली आपको उसमें से फिर स्टडी करना है। डन, फाइन, यहाँ तक क्लियर है? एंटीसीडेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट क्या है, बेसिक टू प्रॉपर्टीज में क्या है? वी कैन मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड वी कैन डिवाइड बाय सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ इट्स गोइंग टू बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड उसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपका पूरा एक्सरसाइज 1A है। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो सारे आपको एकदम थॉरली पता भी होने चाहिए, उसके एप्लीकेशंस भी पता होने चाहिए, क्योंकि आप सारे जो एमसीक्यूज करोगे एक्सरसाइज 1A में वो पूरे उसी के ऊपर बेस है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लिख सकते हो। नंबर 1, हैव यू हर्ड अबाउट कंपाउंडेड रेशियो? कंपाउंडेड रेशियो कभी सुना है? नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट सुना होगा आपने? कंपाउंड इंटरेस्ट तो सुना ही होगा। हाँ, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ते हैं। यस, तो यहाँ पे कंपाउंड रेशियो में भी ऐसा ही कुछ है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आप किसको करोगे? सपोज आपके दो रेशियो दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल सपोज इन गिवन रेशियो ए इज टू बी एंड सी इज टू डी। अगर मेरे पास दो रेशियो दिया हुआ है ए इज टू बी एंड सी इज टू डी एंड मुझे उसका कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, कोई भी दो रेशियो का अगर मुझे कंपाउंडेड रेशियो निकालना है तो इट्स वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। तो मतलब एंटीसीडेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे एंटीसीडेंट से एंड कॉन्सिक्वेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे कॉन्सिक्वेंट से। मतलब किसको किसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे? हाँ, मतलब यस, मतलब ए इंटू सी और दूसरा क्या हो जाएगा? बी इंटू डी, राइट? सो कभी बहुत सिंपल लॉजिक है, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आप न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो।
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को नंबर के एग्जाम्पल से अगर लें, अगर सपोज 3:4 है एंड 5:2 है, तो इसका कंपाउंडेड क्या होगा? हाँ फाइंड करो, लिखो वहां पे. इसकी कोई बहुत बेसिक डिटेलिंग नहीं है, ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज इसी के ऊपर एप्लीकेशन पे है. कंपाउंड रेशियो, यस. तो क्या होगा कंपाउंड रेशियो, बता सकते हो इसका? यस, मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, ग्रेट. एंड 4 को 2 से, तो आंसर क्या आ रहा है? ग्रेट, फाइन. 15:8. मैथ्स सबका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था क्या? टेंथ तक ठीक है, इतना नहीं था. कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर है सबको? श्योर. अब आगे देखते हैं डुप्लीकेट रेशियो. व्हाट डू यू मीन बाय डुप्लीकेट? सेम रेशियो हैविंग द सेम कॉपी काइंड ऑफ, राइट? बट यहां पे वैसा नहीं है. अगर आप डुप्लीकेट रेशियो की बात करते हो, सो फॉर इफ ए इज टू बी इज गिवन रेशियो, देन डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी विल बी, कैन यू गेस व्हाट इट विल बी? ए इज टू बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर. ये विजिबल है ना यहाँ पे? ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, मतलब सिंपली आपको स्क्वायर ही करना है. अगर हम डुप्लीकेट की बात करते हैं, मतलब सेम चीज रिपीटेड ट्वाइस. वर्ड के साथ कनेक्टेड रहोगे तो चीजें रिकॉल करने में इजी रहेगी. डुप्लीकेट मतलब सेम नंबर रिपीटेड ट्वाइस. आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर, बी दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर. सो ए इज टू बी का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर. तो 3:4 का डुप्लीकेट क्या होगा? यस यस. 5:7 का? ग्रेट. आप लोगों को स्क्वायर टेबल्स याद है, 10 तक याद है, बट अभी क्योंकि आप इसके बाद इंडाइसिस पढ़ोगे, फिर लॉगरिथम पढ़ोगे, तो आपके बुक के पीछे स्क्वायर टेबल एंड क्यूब टेबल, स्क्वायर टेबल आई बिलीव एटलीस्ट 25 तक आना ही चाहिए. कैलकुलेटर यू ऑल यूज, राइट? बट स्टिल अगर आपको स्क्वायर टेबल एंड क्यूब टेबल टू सर्टेन नंबर अगर आपको पता है, तो आपको क्विक आंसर एकदम फटाफट आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना? एंड कैलकुलेटर में जो थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो भी थोड़ा आपका सेव हो जाएगा. पहले हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट वर्बली मेंटली आप उसको कर पाओ. जहां पे लग रहा है कि यस दिस इज समथिंग वेयर वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ कैलसी, वी विल डेफिनेटली पुट कैलसी इन, राइट? सो नाउ डुप्लीकेट रेशियो इज अगेन वी आर मल्टीप्लाइंग सेम नंबर ट्वाइस एंड वी आर टेकिंग ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर. ए इज टू बी का हो जाएगा ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर. नाउ इट्स वेरी सिंपल, मैंने डुप्लीकेट बताया, अब आप मुझे ट्रिप्लीकेट रेशियो बता दो क्या हो जाएगा. हाँ यस ग्रेट. ट्रिप्लीकेट हो जाएगा, यस एग्जैक्टली. सो इफ ए इज टू बी इज गिवन रेशियो, देन ट्रिप्लीकेट ऑफ ए इज टू बी विल बी वेरी सिंपल, ए क्यूब इज टू बी क्यूब. इट गोज अलॉन्ग विद द नेम ट्रिप्लीकेट, मतलब आप सेम डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है? आज मैं वॉकम यूज कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्टली स्क्रीन पे ही लूंगी एंड थोड़ा अच्छे तरीके से एंड थोड़ा एक्सप्लेनेशन एंड जो मैथ्स की जो स्पीड होगी वो भी थोड़ी कंसिडरेबल ज़्यादा होगी, ताकि हम फटाफट सिलेबस भी वाइंड अप करें एंड ज़्यादा हम रिपीटेशन एंड होमवर्क पे भी फिर फोकस करना स्टार्ट करेंगे. नाउ डुप्लीकेट रेशियो इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर टू यू. डुप्लीकेट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग सेम नंबर ट्वाइस एंड यू गेटिंग ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर. ट्रिप्लीकेट मीन्स सेम नंबर थ्राइस, ए क्यूब इंटू ए क्यूब इज टू बी क्यूब, राइट? आई बी रिपीटिंग इट. तो अगेन एंड अगेन जब आप सुनते जाओगे तो आपको ये चीज़ें याद होती जाएगी. डुप्लीकेट देखा, अब सब डुप्लीकेट बताओ क्या होगा. यस गेस करो,
व्हाट विल बी सब डुप्लीकेट? डुप्लीकेट तो आपने बता दिया मुझे कि वो आप स्क्वायर कर रहे हो, हाँ, फोर टाइम्स. सब डुप्लीकेट जो सब होता है वो क्या होता है, किसी का छोटा कॉपी, किसी का छोटा मतलब किसी का वैल्यू कम करना, और वो डुप्लीकेट की बात कर रहे हैं. एंड डुप्लीकेट में हमने क्या किया, स्क्वायर. तो जब आप सब डुप्लीकेट की बात करोगे तो स्क्वायर रूट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, राइट. सो इफ ए इज टू बी इज गिवन रेशियो, नहीं, रूट ए इज टू रूट बी, है ना. डोंट फील सॉरी, आप जितने भी रॉन्ग आंसर बोल रहे हो जैसे करेक्ट होता जाएगा वो चीज आपको और अच्छे से याद होती जाएगी. सो कीप स्पीकिंग जहां पे भी आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है. सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी विल बी वेरी सिंपल, रूट ऑफ ए इज टू रूट ऑफ बी. स्क्वायर रूट सबको पता है, याद है, नहीं भी याद होगा जब उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, चाहे वो लॉन्ग डिवीजन मैटर्ड है, शॉर्ट डिवीजन मैटर्ड है, पूरा एक बार रिपीटेशन में देख लेंगे, ठीक है. तो वो कन्फ्यूजन में नहीं जाना है. एक सेकेंड, यस, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट सब डुप्लीकेट क्लियर है सबको, हाँ, चलो ग्रेट. अब सब ट्रिप्लीकेट की अगर बात करें, एग्जैक्टली अगर सब ट्रिप्लीकेट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ द गिवन रेशियो. सो इफ ए इज टू बी इज गिवन रेशियो देन सब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो विल बी ए इज टू बी क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी. यहां तक क्लियर है सबको, पूछते जाना अगर कोई भी डाउट है तो. वैसे इसमें डाउट होना नहीं चाहिए, एंड मुझे लग रहा है आप लोग सारे काफी स्मार्ट भी हो, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा बेसिक जो है वो आप लोगों की प्रॉब्लम शायद नहीं होगी, है ना. फाइन, लिख सकते हो आप लोग आराम से, मैं थोड़ा स्क्रीन नीचे कर लेती हूँ. स्टडी मैट देखा है सबने, नहीं देखा एक बार देख लेना वैसे, ठीक है. मैंने स्टडी मैट से एंड आपके जो नोट्स आएंगे उसी को पहले हमारा मेन क्या रहेगा, हमने स्टडी मैट के सारे सम्स क्लियर किए, हमने सारे सॉल्व एग्जांपल्स किए. स्टडी मैट से रिलेटेड सेम कॉन्सेप्ट है, जितने रिपीटेड सम्स होंगे हम वो कवर करेंगे, एंड आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होगा टॉपिक वाइज उसको हम रिपीटेडली करते जाएंगे, ठीक है. एंड हाउ गुड टू गो विद द टेस्ट, टेस्ट में मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं. आप लोग जितना पॉजिटिव रहोगे ना चीजें उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से एंड स्मूथली चलेगी. फाइन, तो क्या क्या देख लिया आपने, डुप्लीकेट देख लिया, कंपाउंड रेशियो देखा, सॉरी डुप्लीकेट देखा, ट्रिप्लीकेट देखा, सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट, यहां तक सबको क्लियर है. फाइन, चलो आगे चलते हैं. इनवर्स, ये तो मुझे लग रहा है कि आपको पता ही होगा, यू डोंट नीड माई हेल्प इन दैट. वट इज इनवर्स रेशियो अपॉन में, यस, इनवर्स रेशियो. तो सपोज इफ ए इज टू बी इज गिवन रेशियो, सॉरी गिवन रेशियो, देन इनवर्स ऑफ ए इज टू बी विल बी क्या होगा, बी बाय ए. इनवर्स का मतलब होता है उल्टा पुल्टा, है ना. आप ये मान के चलो जो आपने ऊपर लिखा है कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट लिखा है और कॉन्सिक्वेंट लिखा है, आपको सिर्फ उसको चेंज कर देना है, मतलब डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में एंड न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर में. सो दैट इज इनवर्स. तो सपोज अगर ए इज टू बी है तो उसका क्या हो जाएगा, बी इज टू ए. बहुत सारी जगह पे ऐसा क्वेश्चन में आएगा कि इनवर्स ऑफ दिस रेशियो, रेसिप्रोकल ऑफ दिस रेशियो, तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि हमें सिर्फ उसको ऊपर नीचे जो है वो चेंज कर देना है.
न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में. टर्म्स ऐसे 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 जो टर्म्स होंगे ना वो ज़्यादा करके सम्स में रिफ्लेक्ट होंगे जस्ट टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है ना. सम आपके टॉपिक्स आपके नंबर्स जितने ज़्यादा क्लियर होंगे आप उसको उतना ज़्यादा स्मूथली आप उसको सॉल्व कर पाओगे. फाइन, अब रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल रेशियो. तो रेसिप्रोकल रेशियो एंड इनवर्स रेशियो इज मोर और लेस समवेयर सेम. रेसिप्रोकल रेशियो में भी हम ये करते हैं कि सपोज अगर आपको कोई अगर आपका गिवन रेशियो है इफ गिवन रेशियो इज टू बी, मतलब ए अपॉन बी अगर है तो उसको क्या करेंगे, अगर हम उसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो वन अपॉन क्या कर लेंगे, वन अपॉन, मतलब जहां पे आपका ए है अगर रेसिप्रोकल किया तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन. तो वन अपॉन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन ए डिवाइड बाई वन अपॉन बी, राइट. मतलब ये सेम चीज आपकी चला जाए चली जाए, वेरी गुड, राइट. ये तो आपने पहले पढ़ा ही है ना, किसी भी एक नंबर से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होगी. सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने हमेशा रेशियो को किया है ना. जैसे सपोज अगर 16:2 है तो आप उसको कट करके रिड्यूस करके लिखते हो ना, है ना, वो किया है. तो मतलब है कि आप सेम कॉमन मल्टीपल से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हो. यहाँ तक सबको क्लियर है, जो जो आपने बेसिक थ्योरीज पढ़ी है, इनवर्स समझ में आ गया, रेसिप्रोकल समझ में आ गया, डुप्लीकेट समझ में आ गया, सब डुप्लीकेट समझ में आ गया, ट्रिप्लीकेट समझ में आ गया एंड सब ट्रिप्लीकेट भी समझ में आ गया, ग्रेट. चलो यस, बोल सकते हो आप, क्या बात है, नहीं आ गया, चलो ठीक है फाइन. ये हमारा सिक्स पॉइंट था या सेवन था, ठीक है फाइन, एट. अब हम देख रहे हैं कॉन्टिन्यू, यस कॉन्टिन्यूड रेशियो. क्या होगा कॉन्टिन्यूड रेशियो, गेस करोगे ज्यादा इजीली समझ में आएगा. कॉन्टिन्यूड रेशियो क्या होगा, इफ ए इज टू सॉरी इफ देर आर थ्री रेशियोज गिवन टू यू, मतलब मोर देन थ्री या मोर देन टू क्वांटिटीज या मोर देन थ्री क्वांटिटीज दिए तो आप उसको कॉन्टिन्यूसली रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है. तो फॉर इफ रेशियो ए इज टू बी, बी इज टू सी एंड सी इज टू डी इज गिवन टू यू, मतलब आपने देखा इसके कॉन्टिन्यूस में एक ऐसा पर्टिकुलर टर्म होगा जो रिपीट रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है, एक में ए इज टू बी है, फिर बी इज टू सी है, फिर सी इज टू डी है, रिपीट हो रहा है. मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट कॉन्टिन्यूएशन में जा रहा है ना. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये कॉन्टिन्यूस रेशियो में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ठीक है. तो कॉन्टिन्यू जो है वो ज्यादातर मोर देन थ्री क्वांटिटीज जब होती है तो वहां पे हम यूज करते हैं. क्या होता है इंटीजर, हाँ नंबर लाइन पे नंबर होता है उसको हम इंटीजर बोलते हैं, बट क्या कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिसको हम इंटीजर नहीं बोलते, कौन से नंबर्स होते हैं वो,
यस मतलब आई थिंक वो सर ने लास्ट टाइम बताया भी था कि इस टाइप के नंबर्स होते हैं जिसको हम इंटीजर्स में कवर नहीं करते. तो इफ़ यू टॉक अबाउट इंटीजर, तो इंटीजर में क्या होता है कि पहले है जीरो, जीरो से आप जैसे राइट साइड जाओगे वो हो जाएगा आपका सारा पॉजिटिव नंबर, जीरो से आप जैसे सारा लेफ्ट साइड जाओगे वो सारा आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव नंबर. तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसको आप इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हो वो आपका क्या हो जाएगा कमेंसरेबल रेशियो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3:4 दोनों इंटीजर हैं तो ये कमेंसरेबल हो गया. अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 8/27 क्या ये है ना, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगाया तो भी हमारा कमेंसरेबल ही होगा, है ना. कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं आएगी इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा √2/√3 तो क्या ये होगा, नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा इनकमेंसरेबल. राइट, मतलब जहां पे हमारा न्यूमरेटर और हमारा डिनोमिनेटर जो है वो इंटीजर नहीं है. ठीक है, वैसे ये ज्यादा तरीके से सम में पिच नहीं होगा, कहीं पे ये मतलब कंफ्यूज करने के लिए ये पॉइंट जो है, ये लाइन जो है वो आ सकती है. तो कमेंसरेबल इनकमेंसरेबल कहीं पे भी कैसे भी पूछते हैं तो वो आपको आ गया. मतलब वो इस तरीके से पूछ सकते हैं, एक रेशियो दे दिया और फिर बोला कि ये कौन सा रेशियो है, फिर ऑप्शन में आ गया 1, 2, 3 नन ऑफ दीज, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो वाला रेशियो मेरा कौन सा रेशियो है. This is something which you are already familiar with. Already familiar with simplest ratio or reduced ratio. ज़्यादातर क्या होता है, आपने क्या जब हम reduced ratio निकालते हैं, for example अगर suppose मेरे पास कोई ratio है, if 84:20 is given ratio. Yes, जिस पे हम काटा कुटी कर सकते हैं, in डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइड करना या फिर कट करना बेसिकली वो क्या होता है, आप क्या करते हो जब आपने पहले इनिशियली जब सीखा होगा, हाँ जब आपने फैक्टर्स सीखा होगा तो आप क्या करते थे, आप ऐसे करके फैक्टर्स निकालते थे 84 का क्या होता है, फिर आप 20 का निकालते थे कि 20 के क्या फैक्टर्स होते थे, फिर आप लिखते थे 84 के सारे फैक्टर्स, फिर 20 के सारे फैक्टर्स एंड फिर कॉमन कॉमन नंबर को कट करते थे ना. तो जो कॉमन नंबर्स को आप कट करते हो वो क्या होता है, कॉमन मल्टीपल. क्या होता है, कॉमन मल्टीपल. तो जैसे सपोज अगर यहाँ पे आपके पास 84 और 20 है तो वो मुझे देख के ही पता चल रहा है कि दोनों कहीं ना कहीं 2 से ईजिली डिडक्ट हो जाएगा. ईजिली हम 2 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं. तो मैंने अगर इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा मेरा 42 और ये हो जाएगा मेरा 10. फर्दर मैं वापस कर सकती हूँ इसको, तो ये हो जाएगा मेरा 21/5. अब इससे ज़्यादा हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो जब भी सिंपलेस्ट रेशियो की बात करते हैं या रिड्यूस्ड रेशियो की बात करते हैं तो जो दोनों में कॉमन कॉमन है आप उसको आराम से कैंसिल करके देख सकते हो. ज़्यादातर सम में ये होगा कि रिड्यूस फॉर्म में कंपेयर करना या उससे रिलेटेड कोई वैल्यू डालना मल्टीपल टाइम्स आएगा, तब वहाँ पे अलग अलग फ्रैक्शंस को आपने फटाफट क्या किया, कैलसी यूज किया, फ्रैक्शन की वैल्यू निकाली, कंपेयर किया और आपने अपना आंसर जो है वो डिसाइड कर लिया. देखो कैलसी आपका काम बहुत ईजी कर देगा. आपको पता होगा कि कैलसी मैंने जब यूज़ किया तो मेरा कैलकुलेशन फास्ट होता है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, बेसिक जैसे टेबल्स है, स्क्वायर टेबल्स है, क्यूब टेबल्स है, क्यूब रूट्स है, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना तो कैलसी में कभी कभी जो ह्यूमन एरर होता है, कभी कोई बटन गलत दब गया या आंसर समझ में नहीं आया, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको डबल चेक कर पाओगे. ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं पता कि दोनों 2 से डिवाइड हो सकता है एंड आप कैलसी पे ही रिलाई करोगे तो आप शायद हो सकता है कि करेक्ट आंसर हर टाइम नहीं दे पाओ. ठीक है, तो दोनों चीज़ थोड़ी पिच करनी है. अभी जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे टू डू लिस्ट में यही है कि सब कुछ वापस एक बार गो थ्रू करना है, जो भी सम्स हमने किए वो आपको गो थ्रू करना है एंड आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है हमारे पास उस पर आपको 10-20 सम्स का एक होमवर्क जो है वो चला जाएगा. डोंट टेक प्रिंट आउट ऑफ इट, सिंपली आपने वो क्वेश्चन लिखा एंड आपने उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, पक्का? क्या क्या चीज़ें पढ़ी बताओ, एक बार क्विकली बता दो जल्दी जल्दी. हाँ,
एंड हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। तो आपका जो स्टडी मैट का एक्सरसाइज 1A है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम वो सम्स धीरे धीरे करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप जैसे सम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाओगे। अभी फिलहाल आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस आल्सो, बट हैंस फॉर आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी होगा। सो लेट स्टार्ट। आप लिख सकते हो एक्सरसाइज 1A, नंबर 1। मैंने ये स्टडी मैट का ही लिया है कंटेंट, स्टडी मैट का ही मेरे पास क्वेश्चन है। अगर आप स्टडी मैट से क्रॉस टैली भी करोगे तो यू कैन चेक ऑन दैट। हैंस फोर्थ जब आपके पास होगा तो बुक्स जब आपके पास आएगी तो वो क्वेश्चन उसमें लिखे ही होंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका द इनवर्स रेशियो ऑफ, दी इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 इज डैश। द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 इज डैश। तो इसमें ऑप्शन जो मेरे पास है वो है 15:11, दूसरा ऑप्शन जो है वो √11:15, 121:225 एंड नन ऑफ दीज। आंसर क्या है? हाँ पक्का लॉक कर दिया जाए? श्योर? ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखते हैं। आंसर इज 15:11। ऑप्शंस ये होंगे, बट क्योंकि बहुत सिंपल है आई एम नॉट एम्फेसाइजिंग ऑन राइटिंग दी एमसीक्यूज। ठीक है, आप वो एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकते हो। नंबर टू है द रेशियो, लिखो ये क्वेश्चन लिखो, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4 किसी को पानी वानी पीना है तो पी सकते हो। यू ऑल हैड योर ब्रेकफास्ट? फाइन, ग्रेट। मैं यहां पे आपको ऑप्शन भी देती हूँ। लेट्स वेट फॉर द टीम। हाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4, मतलब आपके पास जो रेशियो है वो दिया हुआ है 3:4। ठीक है, एंड जो रिजल्टेंट आपके पास रेशियो आ रहा है उसका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या होता है? ग्रेट, सो एंटीसीडेंट क्या है? 15। और आपको इसका क्या फाइंड करना है? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो अगर सपोज 3 और 15 दिया है, 4 और नीचे नहीं दिया है, क्या है? तो आप मुझे बताओ कि हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, तो 15 आया 5 से, मतलब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो यहाँ पे मुझे 15 मिला है। तो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कि जो नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से आप डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से और मेरा आंसर क्या आ रहा है? तो करेक्ट आंसर क्या है? डी। अगर इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किसी ने पूछा तो सिंपली हम इसमें ऐसे करते हैं, आपने भी किया होगा, 3:4 रहता है इक्वल टू 15:x रहता है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 3x इज इक्वल टू 15:4, x इज इक्वल टू 15:4/3, 3 1 3 5 15, आंसर इज 20। ऐसे भी करते हो ना, ऐसे किया है आप लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बट बिकॉज ये एमसीक्यू बेस्ड है आपको डायरेक्टली आंसर पता चल रहा है, इतना इजी पूछेंगे नहीं। ठीक है, ये बिकॉज इट्स अ बिगनिंग, तो दे आर जस्ट गिविंग यू लाइट क्वेश्चन सो दैट यू अंडरस्टैंड, सो द आंसर इज 20। ठीक है, चलो फाइन ग्रेट। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। ये लिख लिया सबने? फाइन। नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज,
the ratio of the quantities is 5:7. If the consequent of its inverse ratio is 5, then antecedent is dash. एनओटी का मतलब है नन ऑफ दीज, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन लिख लिया सबने, अब इसमें बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7, ठीक है। मतलब कोई रेशियो दिया है 5:7, उसका इन्होंने क्या किया, क्या किया, अब इन्वर्स करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, हाँ तो वो हो जाएगा हमारा 7, ऐसे हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि इनवर्स रेशियो इज उसका जो कॉन्सिक्वेंट है, तो कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो ऑलरेडी कॉन्सिक्वेंट का आंसर आपको पता है कि वो 5 दिया हुआ है, और ये पूछ रहे कि एंटीसीडेंट क्या है, तो एंटीसीडेंट क्या होगा, 7। श्योर आपको समझ में आया, क्या नाम है आपका, अश्विनी, समझ में आया, क्लियर, ठीक है। तो आंसर है 7, करेक्ट ऑप्शन इज सी। टेक एवरी अपॉर्चुनिटी कि आप, मतलब जितनी बार रिपीटेडली भी पूछना है, पूछ के चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते चलेंगे आगे। थर्ड तक सबको समझ में आ गया, ये आपकी स्टडी मैट का फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, फोर्थ में बोल रहे हैं द रेशियो कंपाउंडेड, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6, 8:10 is dash. 2:3, 9:4, 5:6, and 8:10 is dash. ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ 1:1, बी है आपका 1:5, सी है आपका 3:8, एंड डी है आपका नन ऑफ दीज। यस, अ क्विक रिकॉल, अगर आप कंपाउंडेड बात करते हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। कंपाउंडेड अगर बात करते हो तो मल्टीप्लाई, सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते जाना है एंड सारे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते जाना है। थोड़ा दूसरे का भी वेट करते हैं, हाँ गौरव, 3:2:3, 9:4, 5:6, 8:10, मतलब आपको सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। दो चीजें हैं, आपने सारा न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय सारे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड फिर आपने कैंसिल से आंसर निकाल लिया। या फिर अगर आपको लगता है कि मैं फटाफट कैंसिल करके आंसर ला सकता हूँ, तो आप वैसे भी कर सकते हो। चलो हेल्प मी आउट, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 3 9, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 3 6, राइट, एम आई गोइंग राइट, 2 1 2, 2 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2 कैंसिल। न्यूमरेटर में सारा 1 1 1 है, कोई भी और नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, डिनोमिनेटर में भी सारा 1 1 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:1, आंसर क्या है, ए। ग्रेट, गौरव का आंसर राइट था। मजा आ रहा है सम सॉल्व करने में। नाउ फिफ्थ वन, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज, फटाफट आंसर बोलो इसका, तो सबको पता होगा, 9:16। डुप्लीकेट में हमने क्या किया,
दोनों को स्क्वायर कर दिया. फाइन, तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द आंसर. सो योर आंसर इज 9/16. ग्रेट. माई हैंड राइटिंग इज बेटर देन दिस. हाँ, यस. सो नाउ यू हैव टू फाइंड सब डुप्लीकेट. यस, ग्रेट. सो द आंसर, इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन ए है आपके पास 6:5, बी है आपके पास 36:25, सी है आपके पास 50:72 एंड डी है आपके पास 5:6. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वेरी गुड, ग्रेट. सेवेंथ वन. द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 इज. मैं ऑप्शन नहीं बता रही हूँ, आंसर बताओ. 8/27. ग्रेट, 8/27. सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27 इज गुड 2:3. क्यूब रूट ऑफ 8 is 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 27 is 3. फाइन. We will wait for the answer. The ratio compounded of 4:9 and duplicate of 3:4 is dash. One ratio. अच्छा, अब बताओ कैसे किया इसको. क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, ओके, मैं लिख रही हूँ. यस, तो डुप्लीकेट ऑफ 4, 3:4 का क्या हो जाएगा? 9/16. ओके, फिर क्या करेंगे आप इसको? हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने कर दिया, मतलब ये आपका 9 कैंसिल हो गया. 4 1 एंड 4 4 16, तो आपका आंसर हो गया 1:4. ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए. आप सब क्वेश्चन लिख रहे हो ना? The ratio compounded of 4:1.
थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट है, यस, द वन हु इज सिटिंग सेकंड में, आपके सेकंड में क्या है इसमें, बताओ क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन करो क्या है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आराम से रीड करके बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं रीड कर रही हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, मतलब कहीं ना कहीं कंपाउंड करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 4:9, तो पहले मैं लिख रही हूँ 4:9 इंटू किसका डुप्लीकेट लेना है, 3:4, तो 3:4 का डुप्लीकेट क्या होगा, 9, हाँ तो ये हो जाएगा 9/16। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, 8/, यस 8/27, एंड व्हाट अबाउट 9:7, हाँ तो ये जो होगा वो 9/7 जो है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मली यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है कि आप ट्रिप्लीकेट लेते हो 2:3 का एंड 9:7 का, अगर आपने उसका भी ट्रिप्लीकेट लिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि एंड के बाद जो 9:7 लिखा है मतलब वो सेपरेट है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या कर देना है, 9/7 को मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ रहा है, 2:21 सबका आया, चेक करो आंसर राइट है वैसे, बट जो कर रहे हैं लेट देम डू, लेट देम सॉल्व, कैलकुलेटर सबके पास है, नहीं लाए ठीक है फाइन, 2:21 राइट आंसर है, ग्रेट, इलेवेंथ वन जो आपके इसमें दिया है ना, व्हाट यू कॉल, स्टडी मैट, उसमें कुछ एरर है, तो हम जो रेक्टिफाइड वाला है वो हम लिखते हैं, द रेशियो कंपाउंडेड, मतलब अब आप लोगों को वर्ड से यू आर एबल टू रिलेट कि हमको सम्स में क्या करना है ना, वो फटाफट समझ में आ रहा है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5 ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3 सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125:512 इज, मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताओगे क्या है, लेट्स हैव अ क्विक, एक रीड कर लेते हैं एक बार, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, तो 4:5 का डुप्लीकेट क्या होगा, यस करेक्ट, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3 27, ग्रेट, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256, यस, इसीलिए स्क्वायर यहाँ पे काम आता है, 256 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 16, सो वी विल राइट डायरेक्टली 9/16, एंड क्यूब रूट ऑफ 512 क्या होता है, 8, क्या होता है, 8, पक्का, एट आता है, अरे करके देख लो, हाँ 80 आता है आंसर, तो 125 का क्या होगा, 5, और इसका हो जाएगा 8, मैं उस तरीके से नहीं लिख रही हूँ, क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 512 आपको याद रहेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा जब आप प्रैक्टिस के लिए वापस जाओगे एंड यू विल गेट कंफ्यूज, ऐसा होगा नहीं, श्योर पक्का, अश्विनी आपको डाउट नहीं होगा, एंड आपको सचिन नहीं, ठीक है,
जहाँ पे ऐसा लगता है कि हमें हमारे लिए अगर कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, वी कैन स्टिल वेट 2 or 3 minutes. ठीक है, अब इसको रिड्यूस करो, कितना आ रहा है 1/120. आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया है, मतलब 1:120 ये बोल रहे हो ना. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सबका आंसर आ रहा है? आपका नहीं आया, आ गया? आपका भी आ गया पक्का? हाँ 1:120, तो इसका आंसर है 1:120. ट्वेल्थ वन है आपका. यस, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:4 देन द वैल्यू ऑफ 2a+3b इज टू 3a+4b अगर मैंने 2 बोला हो तो. क्या करेंगे इसमें? इस टाइप के कभी भी कोई भी सम्स आते हैं तो सिंपल यही लॉजिक लगाना है. बाय डिफॉल्ट जो ए की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने a:b=3:4, तो ए की जगह पे हम 3 इनपुट करेंगे एंड बी की जगह पे हम 4. बाय डिफॉल्ट यही करना है, देयर इज नो लॉजिक एंड आपका आंसर जो है वो हमेशा करेक्ट ही आएगा. ठीक है, हाँ बोलो आंसर क्या आ रहा है. क्योंकि वो आंसर उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था. एंड 18:25 अगर आंसर लिखते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट आ रहा है. ठीक है, अगर a:b इज इक्वल टू कोई वैल्यू दी है एंड अगर आपको ऐसे कोई भी नंबर दिया है, मतलब जैसे यहाँ पे 2a+3b दिया है, उसकी जगह पे हो सकता है मल्टीपल भी टर्म हो सकते हैं या कंटिन्यूड भी हो सकता है रेशियो. सिंपल पर सब में यही लॉजिक बाय डिफॉल्ट करना है कि a की जो वैल्यू है वो दे दी एंड b की जो वैल्यू है वो आपने उसमें डाल दिया. नाउ 13th वन, यहाँ तक हो गया सबका? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3. इफ 4b. अच्छा पता है किसी को क्वेश्चन क्या? सब्ट्रैक्टेड बोला ना किसी ने? नहीं, 4b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3:5. द नंबर्स आर डैश. आपके पास ऑप्शन है 16:24, 4:6, 2:3 एंड नन ऑफ दीज. क्वेश्चन एक बार मैं फिर से वो कर देती हूँ. यस,
The numbers are in ratio 2:3. If 4 be subtracted from each, they are in the ratio 3:5. The number are dash. यहाँ पे पहले एक क्लॉज दिया है, फिर एक और कंडीशन दी है एंड फिर उसका आंसर दिया है. इसको सॉल्व करने के दो पॉसिबल तरीके हो सकते हैं. एक क्विक मेथड होगा एंड एक जो आपने ट्रेडिशनल मेथड जो आपने ऑलरेडी फॉलो किया है, जहाँ पे हाँ यस आप पहले एक वैल्यू सपोज करते हो कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, फिर आप उसमें आगे बढ़ते हो, है ना, ये वाली चीजें. तो पहले हम रिवर्स मेथड देख लेते हैं, फिर हमारा जो नॉर्मल मेथड होगा हम उसमें करेंगे. तो पहले ये क्या बोल रहे हैं कि रेशियो जो है वो क्या है, 2:3. एंड अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 4 जो नया रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3:5. तो जो उल्टा मेथड है उसमें कैसे करते हैं, उसमें जो आपके आंसर्स दिए हैं ना उसके बेस पे हम चेक करते हैं. उसके बेस पे अगर आप चेक करोगे तो फॉर एग्जांपल आपने पहले ए के लिए चेक किया तो ए में है 16 एंड 24. तो 16 एंड 24 का अगर आप रेशियो चेक करो तो आपका आंसर आ रहा है 2:3. तो पहला वाला मैटर सॉल्व हो गया, 2:3 आ गया आपका, ये वाला कंडीशन सॉल्व हो गया. अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, 4 माइनस करने के बाद, मतलब अगर मैंने 16 माइनस 4 किया एंड मैंने 24 माइनस 4 किया तो क्या आंसर आ रहा है, 16 माइनस 4 कितना होता है, 12. यस. एंड 24 माइनस 4 कितना होता है, 20. इसको अगर मैं रिड्यूस करूं तो क्या आ रहा है, 4 3 12 4 4 5 20, मतलब इसका आंसर आ रहा है 3/5. मतलब मेरी ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. तो अगर ये दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है क्वेश्चन के हिसाब से तो मेरा आंसर क्या है, ए. वो डेफिनेटली अगर आप चेक करोगे ना बी सी में तो वो आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा. आप चेक करके देख सकते हो, वो आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा. अब ये आपका आरटी मेथड है. आरटी मतलब क्या होता है, रिवर्स ट्रिक, उल्टा. मतलब क्वेश्चन में ऐसे समझना कि इसका क्या आंसर होगा, जो शॉर्टकट ट्रिक होती है. जब वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आप क्वेश्चन देख के आप इजीली बता पाओगे कि इसका आंसर ये होगा. एंड जो नॉर्मल मैटर जो आप लोग ने हमेशा किया उसमें आप क्या करते हो, उसमें हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें हम लिखते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. जो नॉर्मल ट्रिक है उससे भी एक बार देख लेते हैं. तो हम लिखेंगे उसमें लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. क्या ले लेंगे, कॉमन मल्टीपल आप क्या ले लोगे, एक्स. तो अगर कॉमन मल्टीपल आपका एक्स हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारा रेशियो क्या दिया हुआ है, हाँ. तो मल्टीपल क्या होता है, यस, मल्टीपल तब मिलता है जब आप उसको दोनों में से आप कैंसिल आउट करते हो. अगर कॉमन मल्टीपल आपने एक्स लिया तो इसका मतलब है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा. तो अगर आपका रेशियो है 2:3 तो कॉमन मल्टीपल के बाद वो हो जाएगा 2x:3x. ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे, एनी आइडिया, हाँ. करें एक बार ट्राई करें. तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 2x/3x. हमारा कंडीशन बोल रहा है कि दोनों में से हमको 4 को माइनस करना है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है हमारा, 3:5. अब इसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा 5 2x-4 = 3 3x-4. अब मुझे बताओ फटाफट x का क्या आंसर है, सॉल्व करो, x का क्या आंसर आ रहा है बताओ. किसका आया आंसर, ग्रेट, 8 आंसर है. तो x = 8. तो क्या x मेरा आंसर है, x को पुट करना पड़ेगा. x को अब हम किसमें कट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, यस तो हम इसको पुट करेंगे इसमें 2x/3x में. तो ये हो जाएगा 2:8 और 3:8. तो मेरा आंसर आ रहा है जो ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा है, हमारा ऑप्शन ए. समझ में आया, आप रिवर्स ट्रिक भी कर सकते हो, आप नॉर्मल मेथड भी कर सकते हो, आपको जो बेटर लगता है आप कर सकते हो. ठीक है, आराम से लिखो इसको. ऊपर वाला लिख लिया था सबने क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पे हो, एक सेकंड में थोड़ा स्क्रॉल कर दे. यस, जो हम
ऑप्शन देख के आंसर लेते हैं उसको हम रिवर्स ट्रिक बोलेंगे, एंड जो आप प्रॉपर सॉल्व करके ले रहे हो उसको हम नॉर्मल ट्रिक बोलेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि जस्ट टू गेट द क्विक आंसर आपको कुछ रिवर्स ट्रिक यूज करने पड़ेंगे, एंड थ्रू आउट द सेशन बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे ट्रिक आप समझोगे जिससे आपका कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा जल्दी एंड थोड़ा अच्छे तरीके से हो जाए। स्टडी आर क्या है आप लोगों का, मतलब सपोज आप लोग क्लासेस अटेंड करते हो उसके बाद घर पे कैसे पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो? 2-3 आवर देते हो डेडिकेटेड, मतलब सिर्फ मुझे बोलने के लिए नहीं कर रहे हो आप, डेडिकेटेड 2-3 आवर्स देते हो। अच्छा, एंड सब आसपास ही रहते हो? अच्छा, तो मतलब क्या ग्रुप स्टडी करते हो, कैसे करते हो? कभी कभी ग्रुप स्टडी करते हो, फाइन ग्रेट। हो गया यहाँ तक सबका, ये भी हो गया, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ये भी लिख लिया। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। चलो 14th वन बोल रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल सबको पता है कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, आर इन रेशियो 2:7:11 द एंगल्स आर ए 20:70:90 बी 30:70:80 सी 18:63:99 एंड डी नन ऑफ दिस। इसको भी हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, अगर हम इसको रिवर्स ट्रिक करके देखें तो रिवर्स ही किया है, हाँ रिवर्स ही किया होगा। तो आपने अगर देखा होगा पहले आपका 20:70:90 अगर आप करो, 0:0 कैंसिल, आपका जो रेशियो आ रहा है 2:7:9 आ रहा है, जो आपका रेशियो नहीं है। सेम आप 30:70:80 करोगे, 0:0 कैंसिल, 3:7:8 वो भी आपका नहीं आ रहा है। इसको अगर आप रिड्यूस करोगे लास्ट वाले को, यस, ये सबको समझ में आया है? स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही है, क्लियर है सबको? फाइन, एंड अगर सेम इसको मैंने अगर नॉर्मल तरीके से करना है तो मैं क्या करूँगी, अगेन आई विल डू दैट, आई विल टेक मल्टीपल एक्स और फिर मैं यहाँ पे इसको करूँगी 2x+7x+11x = 180, यस, मतलब जब तीनों एंगल ऐड करते हैं ट्राइंगल का तो आंसर कितना आता है, यस, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री। तो ये आपका 180 डिग्री आया, आपको पहले x फाइंड करना है, फिर x फाइंड करने के बाद रेशियो में डालना है, एंड फिर आपका करेक्ट आंसर जो है वो आएगा। रिवर्स ट्रिक से यू गॉट इजीली अंडरस्टूड के भाई मुझे रेशियो ही चेक करना है, तो मेरा आंसर जो है वो डायरेक्टली सी आंसर यहाँ पे है। क्लियर है यहाँ तक सबको? फाइन फाइन। 15th वन, डिवीजन ऑफ रुपीज 324, डिवीजन ऑफ रुपीज 324 बिटवीन एक्स एंड वाई इज इन द रेशियो 11:7, एक्स एंड वाई वुड गेट रुपीज डैश। ये आप मुझे रिवर्स ट्रिक से ही एक्सक्लूसिवली करके बताओ कैसे करोगे, कैसे यूज करना है कर लो। अगर मैंने चेक किया 204 एंड 120 दोनों को ऐड कर रहे हैं तो मेरा आंसर आ रहा है 324, यस और नो? यस, बट क्या रेशियो आ रहा है 11:7? नो, तो पहला आंसर मेरा नहीं होगा। सेकंड वन अगेन 200 एंड 124, 324 आ रहा है, अगर मैंने रिड्यूस किया तो आंसर आएगा
नहीं देखो ये फ्रैक्शन है तो आपको रिड्यूस करने में टाइम लग सकता है, तो यहाँ पर नॉर्मली क्या करोगे, डिवाइड करके वन पॉइंट समथिंग करके आंसर ले लो, आंसर कंपेयर कर लो, जिसका आंसर सेम आ रहा है वो आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मेरा अगर आप ऐड करोगे तो आपको तीनों में 324 मिल रहा है, बट जब रेशियो निकाल रहे हो तो 11:7 किस में मिल रहा है बताओ, किसी में नहीं आ रहा है पक्का? इसका आंसर है ही नन ऑफ दिस। ठीक है, यस एग्जैक्टली, हाँ फाइन ग्रेट फाइन, मतलब ये अच्छी बात है कि थोड़ा आप लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज कर रहे हो एंड आप लोग शॉर्टकट ट्रिक भी आप समझ रहे हो। आज का क्लास यहाँ पे क्लोज करें, हाँ कल जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वो थोड़ी फुल फ्लेज होगी, थोड़ी एक्सटेंसिव होगी, इवन आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों की क्या कैपेसिटी है, कितनी चीजें आप ले सकते हो एक साथ एंड कितने फुल स्विंग में हम कर सकते हैं। तो अब जब नेक्स्ट सेशन होगा तो आप या तो आई प्रोवाइड यू द नोट्स बिफोर हैंड, आई गिव यू द क्वेश्चन, सो डैट क्वेश्चन राइटिंग वाला टाइम नहीं जाएगा एंड एट द सेम टाइम फिर हम उसको फटाफट सॉल्व करते जाएंगे। आप लोगों को समझ में आया टॉपिक? बहुत ही सिंपल टॉपिक था रेशियो, बट ये टॉपिक जब जैसे आगे आगे इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे तो ये थोड़े डिफिकल्ट होंगे, इसमें आपके वर्क एंड टाइम का कंपैरिजन होगा, मनी का कंपैरिजन होगा, शेयरिंग्स इसमें आएंगे, परसेंटेज इन्वॉल्व होंगे, तो वो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होगी। तो अभी आज थोड़ा लाइट रखते हैं, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के बाद फिर फुल स्विंग में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों के रजिस्टर नंबर पे वी विल बी शेयरिंग होमवर्क, आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स बट यस मैथ्स का हम लोग ऑन एंड ऑफ भेजते रहेंगे ताकि आपकी भी जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बनी रहे। आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं? नहीं, आप लोगों की कोई स्ट्रैटेजी प्लान है कि हमें ऐसे ऐसे करना है, मैं पूरा स्ट्रैटेजी मैथ्स में कैसे करना है पूरा मैं शेयर करूंगी आपको कि कौन से टॉपिक पे कौन से सेगमेंट पे ज़्यादा टाइम ज़्यादा एनर्जी एंड ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है एंड रिसोर्सेज आपको कौन से यूज़ करने हैं। हाँ वो पूरा डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ मैं आपको बता देती हूँ, कितना टाइम लगता है भजनपुरा तक जाने में एंड बस मिल जाती है? अच्छा मेट्रो हो जाएगा फिर तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी हो जाएगी ना। बाकी सारे क्वेश्चंस आपने लिखे हैं? हाँ कौन सा वाला? हाँ रह गया था, ठीक है मैं एक बार स्लाइड ऊपर नीचे कर देती हूँ, आप लोगों को जो पॉइंट्स लिखने हैं आप लिख सकते हो। क्या मेथड से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है, व्हाट इज योर यूएसपी? दोनों से समझ में आ रहा है, ठीक है फाइन। आप लोग ने स्कूलिंग अपनी स्कूल्स कहाँ से किए, कौन सी क्या स्कूल्स है आप लोगों की? अच्छा ओके अच्छा सिविल लाइंस में, अच्छा सिविल लाइंस तो वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता होगा कमिट करने में या बसेज हैं? अच्छा आप लोग सबका सेम स्कूल है? अच्छा फाइन, गवर्नमेंट स्कूल आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहा है वैसे, है ना? यमुना विहार में कौन सी स्कूल? B2, स्कूल का नाम B2 है। अच्छा, ग्रीनफील्ड का तो मैंने सुना है, इनफैक्ट वो स्कूल भी मैंने देखी है। डजेंट मैटर कि कौन से स्कूल से क्या पढ़ाई की है, आप कैसे फोकस्ड होकर काम करते हो वो मैटर करता है एंड बिलीव मी अगर टारगेट सेट करके काम करोगे देन 100 और 100 स्कोर करना मैथ्स में डिफिकल्ट नहीं होगा, है ना? एंड सारे मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हो एंड कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन भी दिख रहा है आप चारों में। लिख लिया बेटा आपने? अब मैं इसको स्लाइड कर दूँ थोड़ा? ओके यस, ये आपको लिखना था, सारे डेफिनेशंस हम गो थ्रू कर लेंगे एक बार क्योंकि वो कनेक्टेड होंगे, नए डेफिनेशंस और ऐड होंगे नए एक्सरसाइज में, इसका थोड़ा कम एंड न्यू फॉर्मूलाज एंड न्यू एप्लीकेशन ज्यादा डिटेल में होगी।